यार ये ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स को क्या हो गया है? है विराट कोहली के तो फैन जो हैं पूरी दुनिया में हैं, इंडिया में तो खैर है ही, सबसे ज़्यादा फैन फॉलोइंग उन्हीं की है, हर जगह लोग उनको ढूंढते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी मतलब एक से एक, मतलब स्टीवन स्मिथ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भाई, विराट कोहली कह रहे हैं ही इज़ अ सुपर स्टार, ही इज़ अ सुपर स्टार क्रिकेटर है। उस पैट कमिंस कह रहे हैं कि जो भाई वो मतलब बिग डोमिनेटिंग प्लेयर, सब लॉन्ग टाइम ही इज़ डोमिनेटेड, बहुत ज़्यादा उन्होंने डोमिनेट किया है। कमिंस कह रहे हैं, स्टार्क कह रहे हैं कि भाई बहुत बहुत तगड़ा प्लेयर है, लबुशेन कह रहे हैं कि वन ऑफ द ग्रेट। लेकिन जो सबसे अच्छी बात, जो मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी, जो कम बोलते हैं, वो है कैमरून ग्रीन। कैमरून ग्रीन ने कहा द मैन फ्रॉम इंडिया, द मैन फ्रॉम इंडिया, ये जो उन्होंने कहा ना, द मैन ऑफ इंडिया, सॉरी द मैन ऑफ इंडिया, वो कि मतलब भारत को अगर एक मैन में ये बताया जाए तो विराट कोहली हैं। तो आप लोग को भी सोच में समझ में आ रहा होगा कि जे कि भाई ये सारे लोगों को क्या हो गया आज, विराट कोहली विराट कोहली। क्या ऑस्ट्रेलियन का ये गेम प्लान तो नहीं है ना, है? क्योंकि पहले उल्टा होता था, विराट कोहली को लेकर वो कुछ बोलते थे, विराट को ये चैलेंज करते थे वो, लेकिन विराट के आगे ये जो पूरा पाला जो है उल्टा पड़ता था, क्योंकि विराट को जहाँ पर आप कुछ उसके अगेंस्ट बोलते थे कि वी विल सी या फिर उनके बारे में, तो वो ज़्यादा मोटिवेटेड डिटरमिंड होते थे और वो प्रूव करते थे अपने आप को। लेकिन वो जानबूझ के तो ऐसा नहीं हो रहा कि विराट की तारीफ कर रहे हैं कि अरे विराट कोहली विराट कोहली विराट कोहली, सब तरह से विराट कोहली कर रहे हैं ताकि कंप्लेसेंट कर दिया जाए। अच्छा, ये मैं बहुत दिनों बाद एक ऐसी ऑस्ट्रेलियन टीम को देख रहा हूँ जो मतलब विराट कोहली विराट कोहली हर समय तारीफ किए जा रहे हैं, और हर कोई पूर्व खिलाड़ी, उस दिन रिकी पॉन्टिंग को देखा, वो चेतेश्वर पुजारा की तारीफ़ कर रहे हैं, वो ईशान किशन की तारीफ़ कर रहे हैं, वो सूर्य कुमार यादव की तारीफ़ कर रहे हैं, इंडिया के अटैक की तारीफ़ कर रहे हैं। मतलब इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला ऐसा होता था, पहले तो फॉर्मर प्लेयर जो होते थे और उनके एक्सपर्ट होते थे वो तो एक ओपोनेंट की तरह हमला बोलते थे, ऑस्ट्रेलियन जो मेंटल डिसइंटीग्रेशन के लिए जाने जाते थे कि हमला बोलते थे। अब ये ऑस्ट्रेलियंस क्या, ये आईपीएल का तो असर नहीं है, दोस्ती दोस्ती सबको आईपीएल का है, या फिर पता नहीं डेविड वार्नर जैसा इतना कॉम्पिटिटिव क्रिकेटर वो बोल रहा है, ख्वाजा बोल रहे हैं कंपैरेटिव, उनको बोल रहे हैं बहुत कंपैरेटिव है। मतलब मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है, और ये बदला हुआ स्वरूप ऑस्ट्रेलियंस का। इस तरह ऑस्ट्रेलियंस पर कई बार ये अभी वहाँ के जो पुराने क्रिकेटर है वो बोलते हैं कि ऑस्ट्रेलियंस सॉफ्ट हो गए, बहुत ज़्यादा गुडी गुडी दोस्ती। मतलब विराट कोहली के फ़ैन हैं, लेकिन WTC फाइनल से पहले इतना ज़्यादा विराट कोहली की सैल्यूट मुझे समझ में नहीं आया कि ये कोई उनका तो जानबूझ कर नहीं कंप्लेसेंट कर, लेकिन विराट तो इन सबसे कंप्लेसेंट कहाँ होने वाला है, उनको पता है वो ही इज़ टू गुड अ प्लेयर एंड ही हैज सीन इट ऑल। उनको पता है कि यार ये ऑस्ट्रेलियंस जो है ना, इस बार सनकाने की बजाय इन्होंने कुछ और इरादे किए हैं। तो ये चीज़ रही है, देखने की बात है। विराट कोहली आएंगे प्रैक्टिस में आज से कुछ ही देर में, तो क्या प्रैक्टिस रही, ऑस्ट्रेलियंस भी प्रैक्टिस करेंगे, उस पर भी बात करेंगे, आप लोगों को बताऊंगा मैं। लेकिन विराट के अलावा चलते चलते एक और बात कर लेते हैं, राहुल द्रविड़ की। राहुल द्रविड़ भले ही विराट कोहली नहीं है, रिटायर हो चुके हैं, रोहित शर्मा नहीं है, लेकिन उनकी फ़ैन फॉलोइंग इंग्लैंड में ज़बरदस्त है। 2011 में अपने आखिरी इंग्लैंड दौरे में राहुल द्रविड़ ने 3 शतक लगाए थे, टेस्ट क्रिकेट की शुरुआत की थी उन्होंने, यहाँ पर शतक मिस कर गए थे, 90 उन्होंने किया था। तो राहुल द्रविड़ के जो है ना, बड़ी खूबसूरत यादें हैं, जब कोच के तौर पे जब वो यहाँ आते हैं इस कंट्री में तो उनको काफ़ी रिस्पेक्ट मिलता है। तो मैंने देखा, तो कुछ तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहा हूँ, इन्जॉय कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।